सुहाना होने वाला है, तो कैसा ये सफर बोरिंग ना हो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं एक बहुत खूबसूरत गाना गाने की। कौन सा खूबसूरत करते हैं हम लोग? अरे दिखने में खूबसूरत रहेगा या सुनने में खूबसूरत रहेगा? सुनने में भी बहुत खूबसूरत है गाना। ओके स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। यू ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। अभी हम लोग धुलिया पहुंच गए हैं, बस आ ही रहे। आ जाओ, मुझे पता नहीं, ये सरप्राइज है मेरे लिए। और मेरा तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, मेरा तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं बिल्कुल पता नहीं वाला नहीं हूँ मुंडे को। और लास्ट टाइम जैसा ही सरप्राइज है, तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा रोटी भी बना के रखेगी, अब पनीर भी बना के रखेंगे, पर बोलेंगे हमको पता ही नहीं था कि तुम आ रहे हो। ओके ओके ठीक है चलेगा, आ रहे हम लोग। और मैं सरप्राइज के लिए भेजता हूँ मुझे, देखो वो लिस्ट भेजूंगा। हाँ, चलेगा। वो भी हमारे लिए सरप्राइज रखना, मैं लिख के भेजूंगा तुझे सब कुछ। ओके ठीक है चल, हम लोग मिलते हैं। सबसे जबरदस्त ड्राइविंग करते हैं, उनके ड्राइविंग को सलाम सलाम सलाम। और हम लोग कहीं भी जाना होता है सिर्फ हम कुणाल भैया को ही बोलते हैं ड्राइविंग करने को, यानी हम लोग बहुत सेफ पहुंचते हैं दुर्घटना से देरी भली। भैया तन्नू को कितना मिस कर रहे हो? कितना मिस कर रहा हूँ ये तो मैं आपको जुबानी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, अगर अपना दिल खोल के रख सकता हूँ तो मैं आपको बता सकता था कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, आई लव यू तनु, आई लव यू। शुभम ने आपको कितना मिस कर रहे? इतना सारा, इतना बस, इतना ही और ज्यादा नहीं भैया, बस इतना ही। दोस्तों अभी इसके शादी में ब्लॉग बनेंगे हम लोग के डांस भी इसके शादी में सबसे पहले अभी यही नंबर है। हाँ यस, अपकमिंग दूल्हा है हमारा है। चलो मतलब ब्लॉग से सब लोग शादी में ही रहेंगे। और आप नायरा और भाभी को कितना मिस कर रहे हो? लगता है ये याद ही नहीं कर रहा है, ये याद ही नहीं कर रहे, इसके पास वर्ड नहीं है, शब्दों की कमी भी है के पास। अरे मुझे ऐसा हो रहा है कब मैं उसको नायरा को लूंगा और कब नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे तो। हर इंसान को कौन कैसा मिस कर रहा है वो बता दिया, अब तू तेरे टफी को कितना मिस कर रहा है वो बता। ये दूरिया, एक हफ्ता में टफी को देखूंगा नहीं, बाप रे बाप, फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, पर ठीक है करना पड़ेगा। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। ओ यस डन। ब्रेकफास्ट कैसा था भैया? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। दोस्तों हम लोग अभी नाश्ता करके अपने सुहानी सफर के लिए निकल चुके हैं। अभी हम लोग 100 किलोमीटर के बाद की स्टॉप लेंगे। ओके अभी
मुझे भूख लगी है और हम लोग खाना खाने को भी जा रहे हैं। अभी एक काम करते हैं, वहाँ पे पार्क कर दो और हम लोग यहाँ पर आए खाना खाने के लिए। अंदर ले लो, ये साइड से लेना, लेफ्ट ले। बहुत जोरों से भूख लगी है दोस्तों, बोल रहे हैं मास्क एंट्री, पर मास्क लगा के हम लोग कैसे खाना खाएंगे। अच्छा एंट्री के लिए मास्क, बाद में मास्क। ओके, बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। शुभ करते हैं। अभी डिस्कशन ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को, उनको पता ही नहीं पूना में हम लोग आ रहे हैं। इन्हें पता भी है तो वो शायद ऐसा बता रहे कि पता है या नहीं बता रहे। तो कल्पेश भैया ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लोग के लिए तो बन जाएगा दो लोगों के लिए खाना, फिर भैया का क्या होगा? पूना में ऐसा पता है कि मैं आ रहा हूँ, अखिल भी आ रहे हैं और कोई एक शुभम आ रहा है, वैसे भी नहीं पता है। तो कल्पेश भैया का बोलना है कि तीन लोग खाना बना के रखे हैं, मुझे खाना कौन खिलाए? इतना छोटा सा डिस्कशन चल रहा है। मैंने इनको पहले बता दिया है, अगर उन्होंने मेरा हिस्से का खाना नहीं बनाया तो मैं इन दोनों के हिस्से का खाना खा लूंगा। सरप्राइज, लोगों ने जो ज्यादा सरप्राइज का ये नाटक किया है ना, इनको थोड़ा सा इसका मतलब मिलना चाहिए। सही है ना? पेट खा जा रहा है, पेट भी बहुत। और अभी हमारा खाना हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैसा लगा खाना? बाकी उसने जो वो किया ना, वो तुम्हारे ऊपर डाल दिया उन्होंने बटर, वो अच्छा नहीं किया। हमारे खाना हमेशा तरह से बहुत बढ़िया, शिव सब्जी दाल बटर वाला क्या, और सबसे बढ़िया था छाछ। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे जोरदार बारिश चालू हो गई, हम नासिक के आगे ही पहुंचे थे। अभी अखिल भैया ड्राइव कर रहे कार, पहली बार बारिश में। यस, पहले बार बारिश में ड्राइव कर रहा हूँ। बारिश में तो सिटी के बाहर जलगांव के बाहर घर के पीछे। अच्छा उधर करने का क्या मेरा प्री वेडिंग? चले मतलब अपने घर में कर लेंगे अपन। और यहाँ पर पूजा से मजा लेते हुए उसको पता नहीं है कि शुभम और हम लोग आ रहे हैं, और उसका कॉल आया है चेक करने के लिए कि शुभम कहाँ है। चल ठीक है करता हूँ। और ये देखो ना, मस्त सीन है, बहुत मजा आ रही है हम लोगों को। बहुत मजा आ रही है, हमारी पार्टी हो रही है, कहीं नहीं देखा है। ये मेरा बहुत शानदार सफर होने वाला है। मेरे को तो पहले बार पहाड़ देखो, पहाड़ देखो बस, बाप रे एकदम चीरते हुए यार, पहाड़ को चीरते हुए तिलक पूरे फैमिली पहुंच गई है। पहाड़ को चीरते हुए जाते हुए हम लोग पूना पहुंचना चाहिए थे 7 से 8 घंटे में, 12 घंटे होने पर आए और हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं, और 3-4 घंटे बाकी। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, हम खाने के लिए रुके थे, खाने के लिए रुके हैं, कहीं पीने के लिए रुके हैं, पीने के लिए सर पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए रुके हैं, और मौसम का